YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन, व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला कयाम यौमिद्दीन। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान में एक नासबी शख्स ने आइमा अलैहिस्सलाम की तौहीन की और ये तौहीन वो अपनी एक निजी महफिल में कर रहा था और वहाँ से किसी ने उसकी इन बातों को लीक आउट किया और सोशल मीडिया तक पहुँच गई। तो पहले मरहले में बताएं कि इस शख्स का ताल्लुक मज़हब और मकतब के एतबार से तो नासबी है और बज़ाहिर अपने आप को ये लोग अहले हदीस कहते हैं। अहले हदीस में भी जाहिर है कि सब नासबी नहीं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है कि जिनकी ज़िंदगी का हदफ दुश्मनान रसूल और आले रसूल का दिफा है। यानी अगर इनकी गुफ्तगू में आप ये देखना चाहें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना दिफा करते हैं और अबू सुफियान का और हिंदा का और माविया का कितना दिफा करते हैं, तो आपको जो परसेंटेज नज़र आएगी तो मुमकिन है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 1% गुफ्तगू नज़र आ जाए, बाकी जो गुफ्तगू होगी 98-99% वो सब दुश्मनान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में होगी। और इसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल तो इनकी ज़बान से नहीं निकलते। हद यह है कि बहुत सारे फासिकों को, फाजरों को और दुश्मनान अहले बैत को ये लोग बड़े आराम से इमाम कह देते हैं और जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम कहा यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन और फरमाया अल हसन व अल हुसैन इमामान, उनके लिए इन लोगों के मुंह से लफ्ज़ इमाम नहीं निकलता और बड़ी मुश्किल से ये कह पाते हैं हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, और अगर इनका बस चले तो हसन और हुसैन ही कहें। क्योंकि इन उलमा का आम तौर पर जो काम है वो यजीद का दिफा है। ये शख्स अपने आप को एहसान इलाही ज़हीर के ख़ानदान से ज़ाहिर करता है और दुनिया जानती है कि एहसान इलाही ज़हीर के दिल में कितना बुग़्ज़ अहले बैत और कितना बुग़्ज़ पैरोकारान अहले बैत था। और ये भी जहन में रहे कि जैसा आम तौर पे बाज़ हमारे सादा या ये कहा जाए कि बहुत ही कम फहम, लेकिन हकीकत में तो उनको कहना चाहिए जाहिल किस्म के हमारे बाज़ लोग, जो बड़े आराम से ये कह देते हैं कि ये जो सब कुछ हुआ किसी जाकिर या किसी की वजह से हुआ। तो यहाँ पे सवाल किया जाए कि एहसान इलाही ज़हीर की किताबें या और बहुत सारे अहले हदीस की किताबें कि जो शियत की मुखालफत में और जा बजा उनमें आइमा अलैहिस्सलाम की तौहीन भी मिलती है, तो ये किसकी वजह से था। अब मिसाल के तौर पे कह दिया जाता है कि ये सब कुछ बाज़ उलमा या ज़ाकिरीन की वजह से गलत हुआ, तो ये भी बिल्कुल एक जहालत की बात है। बाज़ दफ़ा कह दिया जाता है ये सब कुछ इनकलाब की वजह से हुआ, तो ये भी बिल्कुल एक गलत बात है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इनकलाब के बाद यूरोप अमेरिका वालों ने और अरबों ने इन नासबियों को शियों के पीछे और शियों की मुकद्दस हस्तियों के पीछे कुत्तों की तरह छोड़ दिया, जिस तरह से शिकार के पीछे कुत्ते छोड़े जाते हैं। और इसमें भी शक नहीं कि इन नासबियों को अमेरिका ने यूज़ किया अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और इनको सिर्फ मदरसे बना बना के दिए। अब यहाँ पर बताते चलें कि अहले हदीस सारे उलमा नासबी नहीं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद इनमें नासबियों की है। और ये जो इस शख्स ने गुफ्तगू की है, इस किस्म की गुफ्तगू पहले भी उलमा 50-60 साल पहले कर चुके हैं और उनके जवाबात दिए शहीद ग़ुलाम हुसैन नजफ़ी साहब ने, कि जिन्हें 2005 में अहले बैत के दिफा के जुर्म में शहीद कर दिया गया। और उनकी किताबों में इन लोगों की इबारतें निकल आएंगी कि जहां उन्होंने खुल के आइमा अलैहिस्सलाम और उनकी अजवाज की तौहीन की है। लिहाजा ये शख्स जो कुछ कह रहा था ये किसी का रिएक्शन नहीं है, ये दर हकीकत अहले हदीस में जो नासबी अफराद हैं उनका नज़रिया है।
अब यहां पर सवाल किया जाएगा उन लोगों का कि जो झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि हम अहले बैत को भी मानते हैं और असहाब को भी मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो अहले बैत को मजबूरन मानने का दावा करते हैं और तमाम असहाब को भी नहीं मानते, क्योंकि अगर वो असहाब को मानते तो फिर वो कोई जलसा जुलूस भी करते, मुजाहरा भी करते कि जब सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हज़रत हुजर बिन उदय या हजर बिन अदी की कब्र को खोदा इन्हीं अफराद ने कि जो उमूमन अल-नुसरा में सल्फी और वहाबी और इसी तरह से देवबंदी मकतब फ़िक्र के थे, लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में सिपाह सहाबा हो या लश्कर जंगवी हो, उन्होंने सहाबी रसूल जनाब हुजर बिन उदय या हजर बिन अदी का ज़र्रा बराबर भी ना जिक्र किया ना दिफा किया। तो यहाँ से पता चला कि इनका यह दावा कि असहाब से मोहब्बत करते हैं ये भी गलत है, इनका यह दावा कि अहले बैत से मोहब्बत करते हैं ये तो बिल्कुल गलत है। क्या इन दिनों में सिपाह सहाबा और लश्कर जंगवी ने कोई शोर मचाया कि जितना वो असहाब के लिए मचाते हैं? और इसमें शक नहीं कि असहाब और अहले बैत का तो कोई मवाजना ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती कुछ अफराद को अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाया गया। अहले बैत का कोई भी मवाजना और मुकायसा किसी फर्द से भी नहीं है। तो यहां पर इस बात को दोबारा वाजे करें कि इस किस्म के अफराद और इनकी ये गुफ्तगू नई नहीं है, और हमें जवाब भी देना होगा उनके एतराजात का और बाज़ दफा आईना भी दिखाना होगा। अब हमारे यहां लाहौर का एक मदरसा जो इस गुफ्तगू को भी मिसयूज कर रहा है और दुश्मनों के फेवर में ले जा रहा है, क्योंकि उनका काम ही यही है कि कहीं पे भी कोई बात हो तो उससे अटैक शिया उलमा और ज़ाकरीन और मज़हब हक्का पे किया जाए। अब इस मदरसे का वजूद क्यों आया इसको इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। तो यहां पे उनसे कहा जाएगा कि आप लोग किस मर्ज की दवा हैं? अगर आप शियत का दिफा नहीं कर सकते, आपका हर वक्त ये शोर है कि किसी के मुकद्दसात की तौहीन न की जाए, कि जो वाकन सही शोर है, लेकिन जो शियों पे एतराजात हैं मिसाल के तौर पर जम बैन सलातैन के हैं, सजदगा के हैं, तकिया है, मुता है, क्या उन मौजूआत पे भी आप लोग दिफा नहीं कर सकते? इतने मौलवी पाले हुए हैं, मुझे ताज्जुब होता है उन डोनर्स पे कि जो इनसे सवाल नहीं करते कि भाई कहीं तो तशय्यो का दिफा करो, तुम लोगों का काम यही रह गया है कि हर कुछ दिन के बाद एक एतराज करो। दूसरी बात यह कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े एतराजात हैं और उनकी शख्सियत पर तोहमतें लगाई गई हैं कुतुब अहले सुन्नत में, आप उन्हीं का दिफा कर लें। अच्छा, आप वो भी नहीं कर सकते, नॉन मुस्लिम्स ने जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराजात किए हैं आप उन्हीं का दिफा कर लें, आप वो भी नहीं कर सकते हैं। दावा क्योंकि आप लोगों का यह है कि आप सारी जिंदगी फलसफा इरफान पढ़ते रहे, तो फिर हम आपको मशवरा दें कि इस वक्त बहुत सारे लोग दहरिये हो चुके हैं, और हम नाम नहीं लेते, उर्दू में भी यूट्यूब में चैनल्स बन चुके हैं कि जो अपने आप को एथियस कह रहे हैं। तो सारी जिंदगी आप दावा करते रहे कि अल्लाह के वजूद को साबित करेंगे, तो आप उनसे अल्लाह के वजूद को ही साबित करवा लें, आप अल्लाह सुबहाना व ताला के बारे में उन दहरियों से मनाजरे ही कर लें। तो पता चला कि आपका तो कोई काम ही नहीं है सिवाय नए नए एतराजात उठाना, वो भी शियों के लिए, कभी जनाब मुख्तार की तोहीन तो कभी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कत्ल को भी शियों पर डाल दिया, जो काम पूरी बनु उमैया और बनु अब्बास भी ना कर सकी। बस हमारी गुजारिश है तमाम मोमिन से कि हर जगह जवाब दिया जाए, इल्मी तरीके से जवाब दिया जाए, और बुरी जबान कभी भी इस्तेमाल ना की जाए, और बिला शक हमारे मेंबर से बुरी जबान इस्तेमाल नहीं होती। हाँ, अब बाज़ जगह मेंबर से बुरी जबान इस्तेमाल होने लगी है, खुसूसन ख़वातीन के बारे में, और बिला शक उसका भी इलाज करना होगा। तो हमारी गुजारिश है तमाम मोमिन मोमनात से कि इल्मी तरीके से किसी भी दीन और मज़हब वालों का जो भी एतराज़ हो जवाब देना चाहिए, और अखलाकी दायरे में कभी इल्ज़ामी जवाब भी देना चाहिए, आईना भी दिखाना चाहिए, लेकिन जो भी कुछ हो एक अच्छी डायलॉग की फ़िज़ा में हो, इल्मी फ़िज़ा में हो। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको इस्लाम वाकई जो कुरान और अहले बैत से मिलता है उसका दिफा करें और उसका प्रचार करें। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला
امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔